काफ़ी इम्पेक्टेड था, काफ़ी लोगों को फायर कर दिया भाई। 33% ये कंपनी इम्पैक्ट हो सकती है दिसंबर जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा। तो अब 6 महीने के लिए स्टॉप कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही थी उन्होंने उसको स्टॉप करवा दिया। अब वो इंजीनियर क्या करे? तो जो HR है उनका डिस्कशन चल रहा होता है कितनी हायरिंग करनी है, कितने मेल उठाने हैं, कितने फीमेल उठाने हैं, और अक्टूबर में फिर दोबारा हायरिंग शुरू हो जाएगी और ये चलेगी फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं वैसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट मैंने कहा चलो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। और ऑल्दो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट IT के अराउंड ही बात करेंगे। मैं ग्लोबली बात नहीं करूँगा कि अब पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, चीज़ों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। शायद मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बट येस, अभी हायरिंग क्यों स्लो है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक कंट्री में रिसेशन कब आ रहा होता है, क्या वो रीजंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स के अंदर, और कोशिश करी है थोड़ी सी कि मैं इसको इन्फॉर्मेटिव बनाऊं ताकि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिले और आप एक सही तरीके से सोच पाएँ, ना कि खाली यही सोचते रहें कि यार रिसेशन आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी। अपने स्किल्स पर काम करें, वो मेरा कोशिश रहेगा इस वीडियो को उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, हम रिसेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा, मैं ग्लोबली बात नहीं करूँगा, मैं खाली IT के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तीसरा, एक HR के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था अभी कि मैम हायरिंग क्यों इतनी स्लो डाउन है, उसके बारे में बात करूँगा। फोर्थ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कोविड टाइम पे, जब इंडिया में कोविड था, हर जगह हर कोई सफ़र कर रहा था, इतने ज़्यादा लेऑफ हो रहे थे, उसके बारे में बात करूँगा उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और लास्ट फाइनल मेरे वर्ड्स, कंक्लूजन, जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो पहला और आखिरी वीडियो है। सबसे पहले देखो, रिसेशन का मतलब क्या है। रिसेशन क्या है? आपकी एक आर्थिक मंदी, राइट, किसी भी कंट्री के अंदर हो सकती है। ये क्वार्टरली बेसिस पे हर कंट्री अपने आप को असेस कर रही होती है कि उनकी GDP कहाँ जा रही है, राइट, और इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, अगर महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। अब मैं एक व्यक्ति हूँ, राइट, एक कंट्री में रहता हूँ, मेरी सैलरी मान लो 10 रुपये है, अब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सैलरी से वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, राइट, जो मेरी सैलरी है उससे वो चीज़ें मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वो एक रिसेशन के संकेत होते हैं। रिसेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी आ सकता है, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, दे आर एन नंबर ऑफ रीजंस, कोई बाढ़ आ गई तब रिसेशन आ सकता है। तो इस तरीके से एक कंट्री इम्पैक्ट हो रही होती है, जैसे कि कोविड का एग्जांपल लेते हैं, कोविड आया था, हर कोई इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, और इतने ज़्यादा लेऑफ हुए, लोगों की जॉब्स जा रही थी, और छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक चीज़ें महंगी हो रही थी। तो ये एक रिसेशन का कारण होता है। रिसेशन के ऊपर स्पेशली जो हायरिंग स्लो डाउन है, और अभी जो US और यूरोप के अंदर जो बातें की जा रही हैं कि भाई उनका जो GDP है, इकनॉमी है, वो नेगेटिव चला गया है, जिसकी वजह से लास्ट जो क्वार्टर था काफ़ी इम्पेक्टेड था, काफ़ी लोगों को फायर कर दिया, ले ऑफ कर दिया, है ना, IT प्रोफेशनल्स को फायर कर दिया, काफ़ी इंडियंस वहाँ काम कर रहे थे वो इम्पेक्ट हुए यूरोप में और US में, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं क्या इंडिया पे इम्पेक्ट होगा, राइट, इसके बारे में बात करता हूँ, जो सेकेंड पॉइंट है। तो रिसेशन आपको समझ आ रहा है, रिसेशन मतलब कि अब ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है, प्राइस बढ़ रहे होते हैं, सप्लाई अगर ज़्यादा है लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है लोग कम खरीद रहे हैं, तो ये सप्लाई डिमांड चलती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, और ये इस साल का नहीं है, हर साल चलता रहता है। जैसे पेट्रोल का दाम है, अभी आप देखो बड़ा था फिर थोड़ा कम हो गया, और ज़रूरत पड़ने पर और भी कम हो सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं इन प्राइस के बढ़ने के और घटने के, और उस हिसाब से एक कंट्री की इकनॉमी GDP डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको रिसेशन का मतलब समझ आ रहा होगा। अब देखो बात करते हैं, ग्लोबली बात नहीं करते, खाली भी IT के बारे में बात करते हैं, तो कैसे इंडिया इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब जो इंडिया में कंपनीज, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनके मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था कल इस वीडियो को बनाने से पहले, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई 33% ये कंपनी इम्पैक्ट हो सकती है दिसंबर जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, उस टाइम पे जब US का या यूरोप का जब फाइनल GDP परसेंटेज आएगा नेगेटिव में है, या फिर इम्प्रूव हुआ है पहले से, इसका मतलब रिकवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि मान लीजिए लास्ट टाइम जो
परसेंटेज था वो माइनस में था, अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, तो मतलब रिकवरी मोड पे है. बट मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो TCS में काम करता है, इन्फोसिस में काम कर रहा है, विप्रो में काम कर रहा है, उनका जो क्लाइंट है वो US में है, वो यूरोप में है, UK में है, यू कैन से, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट होंगे, काम नहीं होगा, राइट? और खाली सपोर्ट वर्क ही रहेगा. यहाँ पे मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, शायद प्रोडक्ट बेस्ड कोई इतनी इम्पैक्ट ना हो. फॉर एग्जांपल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उनका बिजनेस हर जगह से है, ठीक है. उनको UK से बिजनेस कम आएगा थोड़े टाइम के लिए, US से बिजनेस कम आएगा, बट और कंट्री से बिजनेस आ रहा होगा, उनकी वेबसाइट पर शॉपिंग हो रही होगी, राइट? बट जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो सर्विसेज दे रही होती हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर. तो मान लीजिए US में उनके 10 क्लाइंट हैं और 10 के 10 इम्पैक्टेड हैं रिसेशन की वजह से, ठीक है. उन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए उसको 6 महीने के लिए स्टॉप कर दिया है. तो अब 6 महीने के लिए स्टॉप कर दिया है, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट चल रही थी उन्होंने उसको स्टॉप करवा दिया. अब वो इंजीनियर क्या करे? तो अगर वहाँ पे सपोर्ट हो रहा होगा आप वहाँ पे टिक सकते हो. ग्लोबली बात ना करें, खाली IT स्पेसिफिक बात करें, तो ये कंपनीज इम्पैक्ट हो रही होती क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बाहर से आउटसोर्स है. तो फिर वो बैंकिंग डोमेन भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस डोमेन भी हो सकता है, वो ट्रैवल डोमेन भी हो सकता है. तो अगर वहाँ चीज़ें सही नहीं हैं तो यहाँ पे फिर वो पैसा नहीं आएगा और वो इंजीनियर्स को नहीं दे पाएंगे. तो उससे क्या होगा? ले ऑफ किया जाएगा या फिर आपको बेंच पे भेज दिया जाएगा. आप रिसोर्स पूल पे रहोगे, किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे होगे. अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है, उनकी फिगर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही हैं, तो उस केस में वो ले ऑफ वाली चीज़ हो जाती है, जैसे कोविड टाइम पे हुई थी, राइट? तो ये इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं जब किसी कंट्री के अंदर रिसेशन आता है और उससे दूसरी कंट्री पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा होता है क्योंकि डिपेंडेंसी होती है प्रोजेक्ट्स की. तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे आपको सम टाइम खुद भी सेल्फ असेसमेंट करना होता है कि ये राइट टाइम है मुझे यहाँ पे, और आपको आइडिया हो जाता है क्या मेरी कंपनी मुझे रिटेन करेगी नहीं करेगी. ये सब चीज़ें भी होती हैं, राइट? अभी रिसेशन एज सच कुछ है नहीं, ठीक है. US में बिल्कुल जो उनकी GDP है, इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है काफ़ी, राइट? बट मैं आपको एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी एज सच इतना इम्पैक्ट नहीं है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा ले ऑफ. अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में कि दिसंबर तक इतने बंदे छोड़ देंगे. देखो, आइट्रेशन रेट अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा होता है ना, उसका रीज़न खुद भी इम्प्लॉय होता है क्योंकि आजकल पैसा मिल रहा है लोगों को, तो वो खुद छोड़ रहे हैं. कंपनी नहीं कह रही छोड़ो, बट येस, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए US की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है या UK की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, उस केस में कंपनी फिर आपको उस प्रोजेक्ट के लिए तो आप नहीं हो फिर जो US वाला प्रोजेक्ट था, या तो आप बेंच पे जा रहे होगे या कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है इस रिसेशन की वजह से, बहुत इम्पैक्ट हो गए हैं, तो उस केस में फिर आप को फिर ले ऑफ किया जा सकता है. अब मैं बात करता हूँ हायरिंग स्लो डाउन. मेरी एक HR से बात हुई लास्ट वीक, उन्होंने बताया जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो क्या होता है कि इस टाइम पे जो भी टाइम चल रहा है अगस्त का है ना, सितंबर का, यहाँ पे क्या होता है थोड़ी हायरिंग स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है, जो HR है, उनका डिस्कशन चल रहा होता है कितनी हायरिंग करनी है, कितने मेल उठाने हैं, कितने फीमेल उठाने हैं, कौन कौन सी पोजीशंस ओपन हैं, बिजनेस से डिस्कशन हो रहा होता है कि आने वाला काम क्या होने वाला है, तो इसलिए हायरिंग फ्रीज हो जाती है. इवन अभी एडिडास में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ भी हायरिंग फ्रीज है, राइट? कुछ कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये रीज़न है कि भाई रिसेशन US की वजह से ऐसा हो रहा है. समवेयर कुछ कुछ कंपनी में ऐसा हो सकता है कि अगर उनका प्रोजेक्ट US वाला होगा तो ऐसा हो सकता है. अभी सितंबर एंड में और अक्टूबर में फिर दोबारा हायरिंग शुरू हो जाएगी और ये चलेगी फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. फिर दोबारा से जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा फिर वही उनकी प्लानिंग होती है, कितने इंजीनियर्स हायर करने हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट है, 30 लाख बजट है, 2 इंजीनियर उठाने हैं, 1 TL उठाना है, तो इस तरीके से बजट डिफाइन किया जाता है और हायरिंग हो रही होती है. बट हायरिंग स्लो डाउन, ये जो अभी हायरिंग स्लो है रिसेशन रीज़न नहीं है इसका, ठीक है. ये मेरा उनसे बहुत क्लियरली बात हुआ, उन्होंने बताया कि स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जो भी नई हायरिंग होनी है उनके लिए और दोबारा से फिर हायरिंग स्टार्ट हो जाती है. तो अभी हर जगह हायरिंग थोड़ी स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि अभी दोबारा से वो शुरू चीज़ें होंगी और ये इस साल का नहीं, हर साल होता है, राइट? मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. मुझे इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड अमेज़न से टेस्ट लिंक आया कि भाई आपका ये टेस्ट का लिंक है, आपको करना है और SD2 रोल के लिए. पर मैंने एडिडास ज्वाइन कर लिया इसलिए मैं अमेज़न में अप्लाई अभी नहीं करना चाहता या मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे. इसका मतलब ये है कि भाई हायरिंग तो चल रही है, तो कहीं कहीं जगह हायरिंग चल रही है. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हायरिंग चल रही होती है. डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है. मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में. कोविड टाइम की बात है, मैं जिस डोमेन में था, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, बैंकिंग डोमेन है, इंश्योरेंस डोमेन है, ट्रैवल डोमेन है, तो मैं
ट्रैवल डोमेन में था, एयरलाइन डोमेन में था। तो जो पैसेंजर वाला होता है, जैसे आप फ्लाइट बुक करते हो, वो बिजनेस बहुत इंपैक्ट था क्योंकि लोग उड़ ही नहीं पा रहे थे, फ्लाई नहीं कर पा रहे थे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। बट मैं था कार्गो बिजनेस में, जो सामान भेजते हो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं था। तो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा जो इंपैक्ट नहीं हुआ, हमारे प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट भी था, सपोर्ट भी था, तो मैं दोनों साइड में अच्छा था। बट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लग गई थी फ्रीज, होल्ड हो गया था, और क्लाइंट कह रहा था कि कॉस्ट कटिंग करो, है ना, क्योंकि कंपनीज करती हैं, अगर इस तरीके से रिसेशन वाली चीज़ें आ रही होती हैं या पैसा आना बंद हो जाता है, लगता है कि आगे दिक्कत होगी, तो कंपनी कॉस्ट कटिंग, बंदे कम करना शुरू कर देती है। वही प्रोजेक्ट में बंदे रखे जाएंगे जो दोनों काम कर सके, सपोर्ट भी कर सके, डेवलपमेंट भी कर सके। तो हमारी टीम में 70 से ज्यादा लोग थे, कितने रह गए, 18, 19, 20, ऐसे इतना ही था, 20 के आसपास लोग रह गए थे, उसमें मैं भी था। तो मैं बोथ साइड गुड था, मैं सपोर्ट भी कर सकता हूं, मैं डेवलपमेंट भी कर सकता हूं। बट डेवलपमेंट कम से कम 6-7 महीने के लिए इंपैक्ट थी, काम आना ही बंद हो गया था, खाली ओनली काम था सपोर्ट का। आपके पास कोई इश्यूज आते हैं, वो आप देख रहे होते हो, उसे फिक्स कर रहे होते हो, अगर वहां पे कोड देखने की जरूरत है तो वो भी देख रहे होते हो, तो इस तरीके से रहता है। उस टाइम तो जॉब बचाना ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा लेऑफ हो रहे, तो साइट से जितने लोग गए हुए थे सब ऑन साइट से वापस आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद उन्होंने चेंज किया, कोविड के बाद एकदम ग्राफ ऊपर बढ़ा, पैसा लोगों को ज्यादा मिलने लगा, हायरिंग बहुत ज्यादा होने लगी क्योंकि बिजनेस दोबारा आने लगा, इंजीनियर्स की जरूरत थी, अच्छे अच्छे हाइक में लोगों को उठा रहे, वर्क फ्रॉम होम को और ज्यादा प्रमोट किया गया, लोग घर से काम करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, राइट। ये मैं पूरा आपको एंड टू एंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कैसे चीज़ें मैनो स्टार्ट होती हैं, फिर कैसे उसमें ग्राफ ऊपर होता है और ये ग्राफ नीचे भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं है, राइट। कोई भी चीज़ हमेशा एक टाइम पे सस्टेन नहीं रहती है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो वो कोविड का एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं पर रिटेन रहा था, तो वो इंडिया में काइंड ऑफ रिसेशन ही था, और बहुत ही, इवन मुझे भी उस टाइम पे ऑनसाइट मिला था, मुझे याद है कोविड टाइम पे मेरी मार्च के आसपास फ्लाइट थी, बट वो कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी अगर मैं फाइनल वर्ड्स की बात करूँ, देखो मैं आपको यही कहूँगा, अभी एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप अपने स्किल्स पे काम करो, और कोई भी किसी से भी अगर आप सुनते हो, मेरे से सुन रहे हो या किसी और यूट्यूबर से सुन रहे हो, मेक श्योर वो जो बोल रहा है अपने हिसाब से बोल रहा होता है, या फिर जो उसने पढ़ा होता है, स्टडी किया होता है, या जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके हिसाब से बोल रहा होता है। बट उसके बाद आप खुद एक बार अपने आप को असेस करो। इंश्योरेंस डोमेन बहुत ज़्यादा बूम पे था उस टाइम पे भी, क्योंकि लोगों को इंश्योरेंस अपना चाहिए था, भाई इंश्योरेंस करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो। तो इस तरीके से आपको असेसमेंट करना है कि मैं किस डोमेन में हूँ और वो इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, ये सेल्फ असेसमेंट होता है, खुद से सोचना पड़ता है। और आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हो, आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि आपको ये निकालने वाले हैं या रखने वाले हैं, ये आपको खुद से आइडिया हो रहा होता है क्योंकि आप उस टीम को जानते हो, आप वहाँ काम कर रहे होते हो। बट मेरा फाइनल वर्ड्स कंक्लूजन यही रहेगा, आप लोग अपने स्किल्स पे काम करो। मैंने आपको अमेज़न का एग्जांपल दिया, मुझे अभी स्टिल इसी वीक के लिए टेस्ट के लिए आया है, तो हायरिंग चल रही है कहीं कहीं जगह, अभी दोबारा से हायरिंग शुरू हो जाएगी और फिर आप उस हायरिंग में दोबारा से पार्टिसिपेट करोगे थ्रू लिंक्डइन, थ्रू नौकरी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यस, अगर US की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, UK में स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में सपोर्ट किए जा रहे हैं किसी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी TCS हो सकती है, विप्रो हो सकती है, या कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है, वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा होगा। थैंक यू सो मच जी, मैंने पूरी कोशिश करी, मैं अपने जितना मैंने इसके बारे में स्टडी किया और अपना एक्सपीरियंस ऐड करके कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा आप लोग क्या सोचते हो, मेरी बात से अगर डिसएग्री भी करते हो किसी पॉइंट पर तो वो भी मैंशन करना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच जी, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना।